नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज, प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। भागलपुर के सुल्तानगंज में 3 वर्षीय मासूम का शव कुएं से हुआ बरामद, इलाके में फैले सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से एसिड अटैक की शिकार पीड़ितों के लिए जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन, जिला जज ने चलाए जा रहे योजनाओं की दी जानकारी। स्मार्ट सिटी योजना का कार्य धरातल पर नहीं दिखने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, विधायक ने आंदोलन की दी चेतावनी। बांका में अपराधी हुए बेखौफ, हथियार के बल पर व्यवसाय से 50,000 रुपए लूट की घटना को दिया अंजाम। और उर्दू निदेशालय की ओर से आयोजित भाषण प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर बाद थाना क्षेत्र के हलकारा चक में 3 वर्षीय मासूम करुणा कुमारी की हत्या कर सबको कुएं में फेंक देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना को लेकर मृतक मासूम की मां रूना देवी ने बताया कि मंगलवार को वो अपने परिवार के साथ सो रही थी और उसकी बेटी करुणा भी उसके साथ सोई थी, लेकिन देर रात जब नींद खुली तो उसकी बेटी उसके पास नहीं थी। इसके बाद उन्होंने शोर मचाकर ग्रामीणों को इसकी सूचना दी, स्थानीय पुलिस को भी मामले से अवगत कराया गया। बुधवार की अहले सुबह मृतक मासूम का शव उसके घर से 1 किलोमीटर दूरी पर बहियार में कुएं से बरामद हुआ। घटना के बाद पुलिस उपाधीक्षक निसार अहमद शाह, सर्किल इंस्पेक्टर अनिल कुमार, थाना अध्यक्ष अमित कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच की। मृतक करुणा के पिता रोशन यादव को पूछताछ के लिए थाने में रखा गया है। देर शाम पहुंची फॉरेंसिक जांच टीम ने मासूम के पिता का फिंगरप्रिंट लिया और घटनास्थल से कई साक्ष्य एकत्रित किए। सर्किल इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि हर बिंदु पर जांच की जा रही है। भागलपुर के जिला विधिक सेवा प्राधिकार के एडीआर भवन में एसिड विक्टिम को लेकर बुधवार को नालसा स्कीम 2016 एवं बिहार विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे ने किया। शिविर में परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एडीजे प्रथम, डीबीए के चेयरमैन अभयकांत झा, सहायक जिलाधिकारी आशुतोष कुमार, सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज एवं प्राधिकार के सचिव प्रवाल दत्ता ने एसिड विक्टिम को मिलने वाले कंपनसेशन और नालसा स्कीम के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। न्यायिक पदाधिकारियों ने कहा कि कानून में कई प्रावधान किए गए जिसकी मदद से एसिड विक्टिम की मदद की जा सकती है, लेकिन जागरूकता एवं जानकारी के अभाव में ऐसा नहीं हो पाता है। इस दौरान विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जिले के 5 स्कूलों में चलाए जा रहे लीगल लिटरेसी क्लब के प्रभारियों को महत्वपूर्ण जानकारी दी गई और जिला जज समेत तमाम अतिथियों द्वारा कंप्यूटर, प्रिंटर, किताब, टेबल समेत कई आवश्यक सामग्री का वितरण किया गया। कार्यक्रम में सभी एडीजे एवं न्यायिक पदाधिकारियों के साथ अमित कुमार एवं मनीष कुमार पांडे मौजूद थे। भागलपुर स्मार्ट सिटी योजना में व्याप्त अनियमितता के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बुधवार को नगर विधायक अजीत शर्मा के नेतृत्व में समाहरणालय मुख्य द्वार के समीप 1 दिवसीय महाधरना दिया गया। इस दौरान युवा कांग्रेस एवं महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भागलपुर में स्मार्ट सिटी योजना का कार्य जमीन पर नहीं दिखाई देने एवं हमेशा विवादों में बने रहने का आरोप लगाया। विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि भागलपुर बिहार का पहला शहर है जिसका चयन केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी योजना में हुआ और लोगों को शहर के स्मार्ट बनने के साथ तमाम सुख सुविधाओं के बढ़ने की उम्मीद जगी, लेकिन अब तक लोगों को सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला। स्मार्ट सिटी के कार्य से अधिक नगर निगम अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों के विवाद में उलझा रहा, जिससे विकास कार्य बाधित हुआ और खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। विधायक ने कहा कि कांग्रेस अब चुप नहीं बैठेगी और जनता के हित में जनता का साथ लेकर भागलपुर को सही मायने में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कड़ा आंदोलन करेगी। इस दौरान एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष स्मार्ट सिटी योजना के साथ शहर की तमाम समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। धरना को जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर अभय आनंद, महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष कोमल सृष्टि, नगर अध्यक्ष पूजा शाह, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष सारिक खान, पार्षद संजय सिन्हा, रणबीर शर्मा, अभिषेक चौबे समेत कई नेताओं ने संबोधित किया और जाम से राहत दिलाने के साथ भागलपुर से हवाई सेवा परिचालन शुरू करने की मांग की। इस मौके पर पार्षद सोइन अंसारी, हंसल सिंह समेत काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं महिलाएं मौजूद थी। सबसे पहले बिहार में भागलपुर शहर चयनित हुआ, लेकिन विगत 4 वर्षों में यहाँ पर कोई धरातल में काम नहीं हुआ। काम तो छोड़िए, जितने पैसे खर्च किए गए वो मैं आपको डिटेल्स में बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि स्मार्ट सिटी का मतलब जो पदाधिकारीगण यहाँ हैं उनको पता ही नहीं है। स्मार्ट सिटी का मतलब होता है सारी सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए, चाहे वो जाम से निजात हो, सड़क की चौड़ीकरण हो, हवाई सेवा हो, चाहे जो भी जाम से निजात के लिए जो भी हो, लेकिन एक भी काम धरातल पर नहीं है। जब कहते कहते हम लोग थक गए
चूंकि मैं प्रतिनिधि हूं, जनता ने मुझे चुना है, तब ये आज धरना देने का यह कार्यक्रम कांग्रेस जनों ने निश्चित किया जनता का साथ लेकर। और इसलिए ये धरना के माध्यम से ये बताना चाहते हैं पदाधिकारियों पे, अगर स्मार्ट सिटी पे जो धरातल अगर नहीं आया तो इससे भी कड़ा आंदोलन होगा और आपको निश्चित तौर पर यहाँ से जाना होगा। बांका के पंजवारा थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने हथियार के बल पर किराना व्यवसाय से 50,000 रुपए और मोटरसाइकिल लूट लिए। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बौसी सबलपुर मुख्य मार्ग पर पंजवारा से रुपए तगादा कर लौट रहे संजय कुमार शाह को अपराधियों ने ओवरटेक कर रोक दिया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बौसी सबलपुर मुख्य मार्ग पर पंजवारा से रुपए तगादा कर लौट रहे संजय कुमार शाह को अपराधियों ने ओवरटेक कर रोक लिया, जिसके बाद बदमाशों ने बंदूक की नोक पर व्यवसायी से रुपए से भरा थैला लूट लिया। साथ ही अपराधी ने प्रीत व्यवसायी का मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गया। इसके बाद प्रीत व्यवसायी ने घटना की सूचना पंजवारा थाना को दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। जिला उर्दू भाषा कोषांग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय भाषण प्रतियोगिता के अंतिम दिन सफल छात्र छात्राओं को सम्मान समारोह आयोजित कर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज में किया गया। इनामी भाषण प्रतियोगिता के सभी प्रतिभागियों को जिला उर्दू भाषा कोषांग के प्रभारी मोहम्मद गुलाब हुसैन, प्राचार्य डॉक्टर सलाउद्दीन अशन, मुस्लिम एजुकेशन कमेटी के अध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद इस्लाम, डॉक्टर साहिद रजमी, डॉक्टर हुमायूं हुमा और जूही बानो ने संयुक्त रूप से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं उर्दू भाषा कोषांग के मोहम्मद गुलाब हुसैन ने छात्र छात्राओं से लगनशील होकर पढ़ाई करने की बात कही, जबकि मंच संचालन करते हुए डॉक्टर हबीब मुर्शिद खान ने कहा कि प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करना मायने नहीं रखता, बल्कि इसमें भाग लेना महत्वपूर्ण है। वहीं डॉक्टर साहिद रजमी ने कहा कि भाषण प्रतियोगिता में मैट्रिक, इंटर और स्नातक स्तर से चयनित हुए 24 प्रतिभागियों के बैंक अकाउंट में प्रोत्साहन राशि जल्द ही भेज दी जाएगी। मौके पर डॉक्टर तनवीर आलम, रिजवान खान, गौहर आलम, दाऊद अली, महजवी समेत काफी संख्या में कई स्कूल और कॉलेज के शिक्षक एवं छात्र छात्रा मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन उर्दू निदेशालय की ओर से किया गया था। उर्दू जबान सेल जो बिहार उर्दू डायरेक्टरेट की तरफ से है, इसमें 82 बच्चों ने तकरीरी मुकाबले में दरखास्त दिया था अपना, और आज 24 बच्चों को इनाम दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया है। आज जितने बच्चे जो 24 के अलावा फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो नहीं हो सके हैं उनको शिरकत का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। इन बच्चों के बीच में लगभग 80,000 रुपये की तकसीम होगी, जो रकम जो है वो 5,100 से लेकर 1,100 तक है, वो डायरेक्ट उनके RTGS खाता में जाएगा। बिहार सरकार का ये कदम सराहनीय है और ऐसे कार्यक्रम को हमेशा आयोजित करना चाहिए ताकि जितने भी स्टूडेंट्स, तालिबे इल्म, छात्र जो हैं इससे कुछ सीखेंगे और इनको देखने से दूसरे लड़कों और छात्रों में भी ये उत्साह बढ़ेगा। सुल्तानगंज नगर परिषद में उप सभापति के रिक्त पद को लेकर बुधवार को भागलपुर DRDA सभागार में चुनाव हुआ, जिसमें पार्षदों ने उषा देवी पर भरोसा जताते हुए नगर परिषद के उप सभापति की कमान सौंप दी। दरअसल पूर्व उप सभापति मनीष कुमार के इस्तीफे के बाद से पद रिक्त हो गया था, लेकिन कुछ दिन बाद मनीष कुमार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया, जिसके बाद पार्षद मनोज यादव के नेतृत्व में अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन दिया गया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मनीष कुमार को महज 3 मत प्राप्त हुआ। बुधवार को चुनाव में उषा देवी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मनोज यादव को हराकर उपसभापति की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर, मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, MS ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है, जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके।
इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय परिसर स्थित स्थापना डीपीओ कार्यालय में प्रधानाध्यापकों एवं पूर्व डीडीओ की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता डीपीओ स्थापना जनार्दन प्रसाद द्विवेदी ने करते हुए सभी हाई स्कूल एवं प्रारंभिक विद्यालय के प्रधानाचार्यों एवं पूर्व डीडीओ को कई दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सेवांत लाभ एवं वेतन भुगतान से संबंधित बातों पर चर्चा हुई। डीपीओ जेपी द्विवेदी ने कहा कि हाई स्कूल के शिक्षकों की सेवा पुस्तिका विद्यालय प्रधान के पास रहेगी, जबकि प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा पुस्तिका पूर्व डीडीओ के पास रहेगी। उन्होंने कहा सभी शिक्षक अपनी सेवा पुस्तिका और कागजात सेवानिवृत्त से 6 माह पूर्व विभाग के पास जमा करा दें, जिससे सेवांत लाभ या वेतन भुगतान से संबंधित परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही कहा कि 31 मार्च 2019 तक के सेवांत लाभ या वेतन बकाया से जुड़े मामलों से संबंधित प्रमाण पत्र कारण के साथ जमा करें। भागलपुर के सवार से 15 दिन पूर्व गायब हुई 16 वर्षीय नाबालिग लड़की वापस अपने घर पहुंच गई, जहां लड़की ने गांव के ही ऑटो चालक फंटूस पासवान, प्रवीण पासवान और सागर कुमार पर अपहरण का आरोप लगा ते हुए दुष्कर्म करने की बात कही। लड़की के अनुसार आरोपी युवकों ने दुष्कर्म के बाद उसे रेलवे स्टेशन में छोड़ दिया। उसके बाद नाबालिग युवती एक महिला के साथ पंजाब चली गई, जहां महिला ने अपने बेटे से लड़की की शादी करा दी। किसी तरह लड़की महिला के चुंगुल से छूटकर भागलपुर पहुंची और घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद गांव में हंगामा होने लगा। वहीं आरोपी युवकों ने लड़की द्वारा दिए गए बयान को गलत बताया। वहीं पूरे मामले को लेकर सबौर थाना अध्यक्ष ने घटना के संबंध में लिखित शिकायत नहीं मिलने की बात कही। और प्रवीण पासवान और सोनू कुमार तीनों मिल के सर हमको इसे सर हमको ऑटो पे वो ज़बरदस्ती बिठाया। ऐसे पहला से मारे था ना पहले वाला सबसे जो पहले होता है उसी में सर लास्ट में। कहलगांव के सनहौला बाजार स्थित डाक बंगला परिसर में बुधवार को राजद की ओर से सदस्यता अभियान को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष रामविलास यादव ने की। इस दौरान जिला अध्यक्ष तिरुपति नाथ यादव ने कहा कि पार्टी के द्वारा प्रत्येक बूथ पर 100 सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। सदस्यता अभियान में तेजी लाने को लेकर प्रखंड स्तरीय 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रत्येक पंचायतों में शिविर लगाकर सदस्यता अभियान चलाने का निर्देश कार्यकर्ताओं को दिया गया है, जिससे पार्टी का लक्ष्य पूरा हो सके। इस मौके पर पवन भारती, नागेश्वर यादव सहित दर्जनों राजद कार्यकर्ता मौजूद। नाथनगर पुलिस ने गश्ती के दौरान शराब पीकर हंगामा कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक की पहचान गोलदार पट्टी निवासी राजेंद्र सिंह के पुत्र दीपक सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात युवक शराब के नशे में सुभाष चौक के समीप हंगामा कर रहा था। इसी दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पकड़े गए युवक के शराब पीने की पुष्टि हुई है। फिलहाल पुलिस ने शराबी युवक को जेल भेज दिया है। भागलपुर के समारनाले परिसर में बुधवार को चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के पैनल निर्माण में सुधार की मांग को लेकर शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थी संघ की ओर से एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना के दौरान अभ्यर्थियों ने चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के पैनल निर्माण में व्यापक स्तर पर धांधली करने का आरोप लगाते हुए वर्तमान में बनाए गए पैनल को रद्द कर नए सिरे से उम्र के आधार पर पैनल निर्माण की मांग की। इस दौरान अभ्यर्थियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि पूर्व में भी पैनल निर्माण का आधार उम्र को वरीयता देकर किया गया, लेकिन वर्तमान में निकाले पैनल सूची में भारी संख्या में अधिक उम्र वाले उम्मीदवारों की अनदेखी कर कम उम्र वालों को पैनल में जगह दी गई। यह न्याय संगत नहीं है और उम्र सीमा बीत जाने के कारण किसी प्रकार का आवेदन भी नहीं भर सकते। गोपाल कृष्ण ने कहा कि जिला प्रशासन अविलंब पैनल में सुधार कर योग्य उम्मीदवारों को स्थान दे, अन्यथा विवश होकर संघ द्वारा आंदोलन तेज किया जाएगा। इस मौके पर अनिल कुमार दास, शंभु नंदन प्रसाद, संजय कुमार, विष्णुदेव कुमार, विजय कुमार समेत काफी संख्या में बेरोजगार अभ्यर्थी मौजूद थे। गलती किया गया आपके कुर्सी के द्वारा कलम के जो अभी कर्मचारी है जो जिन्होंने गलती किया है, जो आपने अहर्ता मांगा था कि अधिक उम्र वाले में सरकार का बिहार सरकार का नॉर्म भी है कि जो भी जब भी बहाली होगा चतुर्वर्गीय का इसमें जो उम्र वाले को वरीयता देकर के ही पैनल में स्थान दिया जाएगा उनका नाम, लेकिन अभी जिन्होंने जो पैनल का नाम स्थान निकाला है उसमें कम उम्र वाले को निकाल दिया गया है और अधिक उम्र वाले को छोड़ दिया गया। 79 वाले को पूरा ले लिया गया है, 80 वाले को ले लिया गया, 81 को, 76, 77, 78 एज वाले को एकदम बिल्कुल छोड़ दिया गया है। क्या करना आगे क्या करना? ये हम लोग इसी के विरोध में है कि जो इनके द्वारा पैनल में गड़बड़ी किया गया है या किसी प्रकार से इसमें सुधार किया जाए और इन लोगों का जो अधिक उम्र वाले का है पैनल में सुधार करके नाम दिया जाए, उस पैनल को रद्द कर दिया जाए। बांका के अमरपुर में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई।
इस घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिसे इलाज के लिए अमरपुर रेफर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर घायल लक्ष्मण ठाकुर ने बताया कि वह अपने घर में मवेशी के लिए चारा काट रहा था। इसी दौरान गांव के ही मंटू ठाकुर नितेश ठाकुर ने शराब के नशे में धुत होकर मारपीट और गाली गलौज शुरू कर दिया, जिसका विरोध करने पर परिवार के लोगों के साथ आरोपियों ने मारपीट की। वहीं घटना को लेकर पीड़ित ने अमरपुर थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। भारत स्वच्छता मिशन के तहत प्रधानमंत्री के द्वारा लगातार सकारात्मक प्रयास किया जा रहा है। समाज और देश को स्वच्छ और सुंदर बनाने की कवायद चल रही है। इसी को लेकर जगह जगह पर वृक्षारोपण किया जा रहा है, ताकि वातावरण को प्रदूषित होने से रोका जा सके और वायुमंडल द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन से बाढ़, भूकंप एवं सूखा से निपटने के लिए वृक्ष लगाओ अभियान चलाया जा रहा है। मंगलवार को सुल्तानगंज के मुरारका कॉलेज में NCC 23 बिहार बटालियन के छात्र छात्राओं द्वारा स्कूल और कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण किया गया। साथ ही NCC के कमांडेंट ऑफिसर APS पालवेल ने इसे होने वाले फायदे के बारे में विस्तार से सभी छात्र छात्राओं को जानकारी दी। मौके पर स्कूल के शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। चलते चलते फिर से एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। भागलपुर के सुल्तानगंज में 3 वर्षीय मासूम का शव कुएं से हुआ बरामद, इलाके में फैले सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से एसिड अटैक की शिकार पीड़ितों के लिए जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन, जिला जज ने चलाए जा रहे योजनाओं की दी जानकारी। स्मार्ट सिटी योजना का कार्य धरातल पर नहीं दिखने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, विधायक ने आंदोलन की दी चेतावनी। बांका में अपराधी हुए बेखौफ, हथियार के बल पर व्यवसाय से 50,000 रुपए लूट की घटना को दिया अंजाम। और उर्दू निदेशालय की ओर से आयोजित भाषण प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागियों को किया गया पुरस्कृत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।